देश की सुरक्षा को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को भरोसा दिलाया है कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को सरकार शीर्ष प्राथमिकता देगी। एकीकृत कमांडरों के सम्मेलन UCC में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों अंगों के बीच और रक्षा मंत्रालय के साथ व्यापक समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। ये सम्मेलन सेना के तीनों अंगों के शीर्ष कमांडरों का एक सालाना बैठक है। रक्षा मंत्री ने साथ ही सेना की तीनों विंग्स की पिछले साल की उपलब्धियों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों अंगों को भरोसा दिलाया कि उनकी तैयारियां सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल होंगी। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सेना के तीनों अंग सैन्य सामान और हथियारों की खरीद के लिए और सेना में आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निरोधक अभियानों, चीन भारत सीमा पर स्थिति और भारत के सागरीय पड़ोसी देश में घटनाक्रमों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन को नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BS धनोवा, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने भी संबोधित किया। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी इसमें शरीक हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।